ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सनातन सार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सावन का पावन माह चल रहा है, हर कोई भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हुआ है। सावन के खास मौके पर बेटियों का मायके जाना बेहद शुभ माना जाता है। आम तौर पर विवाह के बाद पहले सावन में बेटियां अपने मायके जाती हैं, जिससे बेटियां मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर रह सके। सावन में बेटियों का मायके जाना एक विशेष परंपरा है। ऐसा करने से बेटियों के मायके और ससुराल पक्ष के अनेक चमत्कारी और अद्भुत लाभ और फायदे होते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। दोस्तों, सावन में बेटियों का मायके और ससुराल आना या जाना रातों रात किस्मत बदल देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बेटियों का भाग्य सारे घर के भाग्य को नियंत्रित करता है। अगर बेटी की विदाई होती है तो घर की स्थिति खराब हो जाती है। अगर घर में विवाह के बाद भी बेटियों का सम्मान ना किया जाए तो स्थिति काफी बिगड़ जाती है, उससे घर में दरिद्रता का वास होने लग जाता है। और दोस्तों, सावन के महीने में जब बेटी मायके आए तो विशेष उपाय से घर और जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाती है। जब बेटी सावन में मायके आए तो घर में तुलसी का पौधा अपनी बेटी के हाथ से लगवाएं। जितने भी दिन बेटी घर में रहे, रोज शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाएं। इसके बाद बेटी घर में सुख शांति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके घर के जितने भी कष्ट समस्याएं हैं सारी दूर हो जाएंगी। अगर किसी का घर नहीं बन पा रहा हो या नया घर को खरीदने में दिक्कत आ रही हो तो ऐसे में यह उपाय करना चाहिए। बेटी के घर आने पर किसी भी मंगलवार को उसके पैसों से खरीदा हुआ उसके हाथ से गुड़ लें। उसके बाद उसी दिन उस गुड़ को मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से शीघ्र ही आपका मकान बनता है और जो भी धन संपत्ति की आप कामना करते हैं वो भी पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, सावन में बेटी के घर आने पर किसी भी बुधवार को बेटी के हाथ से रक्षा सूत्र लपेटी हुई एक सुपारी लें और उस सुपारी को पूजा के स्थान पर पीले कपड़े में रखें। करोड़ों का कर्ज भी माफ हो जाएगा। कितना भी कर्ज हो, मिनटों में वो कर्ज चुकता बन जाएगा। तो ये उपाय अवश्य करें। अगला उपाय, सावन में बेटी घर आती है तो उसके हाथ से एक गुलाबी कपड़े में थोड़ा सा अक्षत और एक चांदी का सिक्का लें। गुलाबी कपड़े में उस अक्षत और सिक्के को बांधकर अपने धन स्थान पर रख दें, अर्थात जहां भी आप पैसा रुपया रखते हैं, तिजोरी हो, अलमारी हो, वहीं पर रख दें। बेटी के हाथ से गुलाबी कपड़े में थोड़ा सा अक्षत और एक चांदी का सिक्का लें। इसके बाद बेटी का चरण जरूर स्पर्श करें। ऐसा करने से घर के अंदर जितनी भी समस्याएं होती है, घर में जितने भी वास्तु दोष होते हैं, घर में बीमारी हो, धन की कमी हो, सभी दूर होकर उस घर में सुख समृद्धि का वास होने शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की उस घर पर कृपा बरसती है। तो दोस्तों, सावन में ये उपाय अवश्य करें और बेटियों का सम्मान करें। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।